हनुमान जन्मोत्सव को लेकर धूम है, तैयारियां की गई हैं, भंडारे हो रहे हैं और भगवान हनुमान जो कि राम भक्त हैं उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर बदली अपनी प्रोफाइल फोटो। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कांग्रेस ने अब बदली अपनी प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो में भगवान हनुमान के भक्त के रूप में दिखे हैं कमलनाथ। कांग्रेस के प्रोफाइल फोटो पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का ट्वीट आया। कमलनाथ के ट्विटर डीपी पर उठाए सवाल, उन्होंने कहा देखिए कम्युनल कमलनाथ की कांग्रेस का नया डीपी अवतार, अब मुसलमान और मौलवियों के वोट का क्या होगा? आरिफ मसूद जी, क्या आपको ये चुनावी पाखंड पसंद आया? इस पाखंड में क्या मियां दिग्विजय सिंह आप शामिल हैं? तो ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने अपने ट्वीट के जरिए पूछा है। और जब कमलनाथ ने डीपी बदली है उसके बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद जी को क्या ये बात पसंद आएगी, क्या मियां दिग्विजय सिंह आप इसमें शामिल हैं? जिस तरह का एक नया अवतार कमलनाथ जी का दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भी राजनीति नहीं छोड़ रहे राजनीतिक दल। अब फोटो लगाई कमलनाथ ने हनुमान जी के साथ तो उस पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सवाल खड़े होने से पहले ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक ट्वीट किया और सवाल पूछा। आपको बता दें उन्होंने पूछा कि कमलनाथ के ट्विटर डीपी पर सवाल उठाते हुए कि क्या आरिफ मसूद को ये बात पसंद आएगी। उन्होंने ये भी पूछा कि ये कांग्रेस का नया डीपी अवतार है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान और मौलवियों के वोट का क्या होगा। तो एमपी कांग्रेस की जो प्रोफाइल डीपी प्रोफाइल फोटो है उसके बाद ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि जिन्होंने इस ट्विटर पर ही एक और रीट्वीट किया है उसकी बात कर देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जिन्होंने दरअसल ट्विटर पर ही पलटवार किया है एमपी कांग्रेस पर भी और कमलनाथ पर भी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सबसे पहले तो आपको हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं बहुत सारी और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ यदि डीपी प्रोफाइल बदली तो, क्या हुआ यदि हनुमान जी के भक्त कमलनाथ ने ये फोटो लगाई तो? देखिए, अच्छी मंशा से करो, सबको शुभकामनाएं, कमलनाथ जी को भी आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को भी जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। लेकिन क्या होता है, देखिए जब हम इस पर राजनीति करते हैं, इन्होंने आपको याद होगा हनुमान चालीसा पढ़ने का आग्रह किया, सर्कुलर निकाला। आप सोचिए सर्कुलर के आधार पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। आप भाग लीजिए समाज जहां पर धर्म का काम कर रहा है उसमें, सब जगह जाइए आप, किसने मना किया है? लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, आरिफ मसूद ने मोर्चा खोल दिया कि हमारा क्या होगा, अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने कल परसों फिर रमजान के लिए भी, ईद के लिए भी निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का क्षेत्र धर्मावलंबियों का है, धर्म गुरुओं का है, हमको उनके पीछे चलना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनेताओं से, सरकारों से जनता की अपेक्षा भौतिक उन्नयन की है कि हम बिजली, सड़क, पानी, इस पर ध्यान दें, ना कि उनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए। हितेश वाजपेयी, राजनीति कौन कर रहा है इसमें? आप ही ने तो पलटवार किया है उनकी डीपी को लेकर सवाल उठाए, आपने कहा कि मौलवियों का क्या होगा, क्यों उनने छिंदवाड़ा में मंदिर नहीं बनवाए, वो हनुमान भक्त हैं, पूजा करते हैं, हर साल बाकायदा आयोजन होता है, उठाए ना मैंने। और ये वही कांग्रेस के कमलनाथ हैं जिन्होंने मुल्ला मौलवियों की बैठक करी थी, आपको याद हो उनका वीडियो वायरल हुआ था 2018 के चुनाव में कि वो उन सब से कह रहे हैं मौलानाओं से कि तुम्हारे यहाँ पर 99% पोलिंग हमारे लिए नहीं हुई तो हम हार जाते हैं चुनाव। तो कम्युनल पॉलिटिक्स ही करते हैं तो इनका चेहरा उजागर होना चाहिए। ये क्या तरीका है भाई? आप मानिए कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर या उनको तुष्टिकरण करके आप कोई ना हिंदू बन पाएंगे ना मुसलमान बन पाएंगे, बल्कि मजाक बनकर रह जाएंगे। तो इसीलिए धर्म के क्षेत्र से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए और हम इनका हर चेहरा बेनकाब करेंगे। आप सोचिए कल ये गए, बोले हनुमान जी वहां पर 14 अप्रैल को महू गए, महू पर जाकर इन्होंने बोला हम सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे जी। आपको याद हो 2019 में भी गए थे 14 अप्रैल को, तब तो नहीं लगाई, 15 महीने थे आपके पास। तो जब हार जाते हैं तो इनको हिंदू मुसलमान और सब याद आते हैं लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं धार्मिक आयोजन, और कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं दूसरे धर्मों के जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है, तो क्या आपके हिसाब से वो भी राजनीति कर रहे हैं, या तमाम जो शिवराज सिंह चौहान जाते हैं या बाकी नेता बीजेपी के जाते हैं इस तरह के आयोजन में, तो क्या वो राजनीति करते हैं? देखिए, कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को या शिवराज जी को पुजारियों से, मौलानाओं से रिक्वेस्ट करते देखी?
कभी आपने प्रधानमंत्री जी को या शिवराज जी को अपने कार्यकर्ताओं से लिखित में संदेश लिख के दिया कि जाओ भाई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो या ईद की जालीदार टोपियां पहन के घूमो? कभी आपने हमारा कोई सर्कुलर देखा इस प्रकार का? ठीक है, संजय यादव जी हमारे साथ हैं तेजी, उनसे भी पूछ लेते हैं, विधायक कांग्रेस। संजय यादव जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरह से एमपी कांग्रेस ने डीपी बदली, कमलनाथ जी बाकायदा हनुमान भक्त के रूप में नजर आ रहे हैं, उसके बाद हितेश जी ने भी फिर उनको रीट्वीट किया है और कहा है कि क्या इससे मौलवी जो है वो नाराज नहीं हो जाएंगे, उनके धर्म का क्या होगा, या इसके अलावा जो आरिफ मसूद हैं उनका क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे? प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले। देखिए, पहली बात तो ये धर्म के ठेकेदार कब से बन गए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों के तो जो जिस शाखा से निकलते हैं उस शाखा में तो सिर्फ भ्रष्टाचार, पाखंड, वो नौटंकी सिखाई जाती है। भाजपा पर तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र में है कि झूठ बोलो, बार बार इतना झूठ बोलो उन लोगों को सजने लगे, तो ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। इन लोगों के यहाँ तो आडवाणी जी की बच्ची अगर शादी करती है मुस्लिम से तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और अगर इन लोग हम इनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या, कमलनाथ जी इनसे, हितेश वाजपेयी जी से सर्टिफिकेट लेंगे, जो मोदी जी जब जूता पहन के अमरकंटक में पूजा करते हैं तब इनको तकलीफ नहीं होती कि मां नर्मदा के पवित्र स्थान में जब नर्मदा समापन यात्रा हुई थी तो मोदी जी जूता पहन के पूजा करते हैं, तो वो कौन से जूते हैं भैया मोदी जी के? हमारे धर्म में सिखाया गया है कि जूते स्वच्छ होके, स्वच्छ मन से पूजा की जाती है, बेमन से नहीं, ये तो दिखावे के लिए करते हैं। हाँ, देखिए, धार्मिक विषय तो बेहद अपना निजी होता है संजय जी, फिर उसमें इस तरह से बाकायदा एमपी कांग्रेस, इस तरह से हम देख रहे हैं उन्होंने डीपी बदल ली है, तो क्या इसकी आवश्यकता थी? आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप भी राम भक्त हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं राम भक्त होने के नाम पर या लोगों ने जिस तरह से भरोसा किया बीजेपी पर, उसके बाद आपको लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना मजबूरी है हमारी? भाजपा ने दिखाने के अलावा आज तक कुछ किया है क्या? दिखाने के अलावा किया है? फिर आपको सर्कुलर जारी करना पड़ता है कि पाठ होगा। राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, इनको मालूम नहीं है विश्व हिंदू परिषद को मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिया था? ताला भी खुलवाते हैं, सवाल भी पूछते हैं। तेज जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए संजय यादव जी से, जो उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि जूता पहन के पूजा कर रहे हैं। सवाल का पालन करती है, दिखावे में विश्वास नहीं करती है। आपने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपको डीपी बदलने की जरूरत क्या पड़ी, इसका जवाब नहीं है। आपने सवाल पूछा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अपने कैडर को सर्कुलर लिखने की, संजय जी सुन लीजिए ना, यदि ठेकेदारी कोई नहीं कर रहा है तो फिर जब सभी, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह अपने घर में बहुत पूजा करते हैं, सब जानते हैं, सबके घरों में अपने मंदिर में पूजा करते होंगे, सर्कुलर जारी करा के करवाना पड़ रहा है, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? दिग्विजय सिंह और शिवराज जी में अंतर बता देता हूँ। शिवराज जी ने सरकारी यात्रा पे नर्मदा सेवा यात्रा निकाली रही जो पाखंड थी सरकारी खर्च पे, दिग्विजय सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से नर्मदा अंतर है शिवराज जी में और दिग्विजय में। दिग्विजय जी में करेंगे पाखंड है या मन से पूजा कर रहे हैं, आप कैसे तय करेंगे सर कि ये पाखंड है कि मन से पूजा कर रहे हैं? आप यदि करें तो मन लगा के कर रहे हैं, आप भक्त हैं, और वो करें तो पाखंड कर रहे हैं। जल्दी से तेजी सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मेरा तो बहुत सीधा कहना है, आपका एक ही सवाल इनको ध्वस्त करता है कि अपने पार्टी कैडर को बोलना हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर आरिफ मसूद का उस पर आपत्ति लेना कि ये ठीक बात नहीं है, मैंने नहीं कहा, ना शिवराज जी ने कहा, ना मोदी जी ने कहा, ये आरिफ मसूद ने कहा कमलनाथ को कि ये ठीक नहीं है, तो उसके दबाव में इन्होंने रमजान और ईद का भी सर्कुलर निकाला। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश जी आपका भी हमसे बात करने के लिए, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बीच अब देखिए होड़ मची है, कौन हनुमान का भक्त ज्यादा, फिलहाल ये तस्वीरें भी आ गई हैं सामने, और आपको बता दें कि पूजा पाठ सभी धर्म कर रहे हैं पूरे देश।